दौड़ा देने पड़ेंगे, थैली बंद हो जाएंगी। तो ठीक बात है, ये थैली को जो बैन किया सरकार ने, प्रदूषण ज्यादा होता था इससे, तो ये जो स्टेप सरकार ने उठाया ठीक है। आपने एक मीटर की सिमाई कपड़ा लेके आपने बर्तन ताला कर उसमें सामान ले जाओ, और ठीक ठाया है, गंदगी बहुत हो रही है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे जो है ओल्ड बस स्टैंड के ऊपर ये दुकानें हैं, थैलियाँ जो आती थी जिसका सामान देते थे दुकानदार, आम ग्राहक जो आता था, तो अब थैलियों को सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, और अब दुकानदारों के ऊपर जो है थैली बंद करने से और किस तरह का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ग्राहक किस तरह से क्या जवाब दे रहे हैं थैली ना मिलने के बाद, और किस तरह से ऑप्शन अब थैली का विकल्प इन्होंने निकाला है। नमस्कार भाई साहब, ऐसे है जब से गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, हर ग्राहक को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, किसी को किसी चीज़ में पैक कर देते हैं, बाकी अब स्पेशल ये थैली आई हैं, ये थैली लाए हैं या फिर कपड़े के थैले लाए हैं जिनको यूज़ कर रहे हैं, और बहुत समझाते हैं ग्राहक को भाई थैली बंद हो चुकी है, अपना कोई नहीं जाम कर लो, अब यहाँ कल आज ये बैनर और लग जाएगा, बोर्ड लग जाएगा, भाई अपनी साथ थैला लाएँ या कुछ अपना पैकिंग के लिए सामान लाएँ, क्योंकि थैली भाई बंद हो चुकी हैं। दोस्तों थैली का जो विकल्प है सरकार ने ये निकाला है, जो कि ये आसानी से डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लोगों को बहुत समझाते हैं भाई अपना थैला लाओ, पहले पुराने वाला टाइम, अब थैली बंद हो चुकी है, कई ग्राहक तो ऐसे मान जाते हैं, और कई बहुत बहसबाजी करते हैं, ना भाई हमें तो थैली में डाल के दो, उनको कोई ना अखबार में लपेट के देते हैं और पैकिंग वगैरह टेप थोड़ी सी लगा के देते हैं भाई अपना सामान पैक करने के लिए, कुछ तो ग्राहक ऐसे मान जाते हैं और कुछ ऐसे बहसबाजी करते हैं नहीं मानते, तो मैं भी हो जाती हूँ, तो मैं करते हैं, हाँ मना करते हैं भाई ठीक है नहीं अपना सामान वापस रख ले भाई, हम तो थैली में डाल के दो, अब इनके लिए स्पेशल मोटे ये थैली लाए हैं और एक कपड़े के थैले बनवा रहे हैं जो सामान थैले में डाल के दें, कपड़े के थैले में। तो नगर पालिका ने भी इसके लिए चालान वगैरह काटने के लिए? आज हाँ आज भी चालान काटने वाले आए हुए हैं, पहले भी दो चार दिन पहले चालान काटे थे, अभी मार्केट में चालान काटने वाले आए हुए हैं, सख्ताई करने बावजूद भी फिर भी कुछ लोगों की मजबूरी है, कोई मानते नहीं, हाँ जी ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका कोई ना कोई हल है, निकालना पड़ेगा, इसके बिना ग्राहक भी तंग है और हम खुद दुकानदार भी तंग हैं। बीच बाजार के अंदर पूरे मेन मार्केट के अंदर जो आपका ठहिया जहाँ बसें खड़ी होती है, मेन बाज़ार के अंदर आप खड़े हुए हैं, जैसे जो दूध की थैलियाँ या जो आप ब्रेड वगैरह आते हैं उनका क्या, किस तरह से क्या उनका अभी तक गवर्नमेंट ने कोई समाधान नहीं निकाला, जब तक इनका कोई समाधान नहीं निकलता इसका हल नहीं होगा, इसका कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है तो बहुत मुश्किल है। इनके लिए चलान के लिए माफ़ी है? नहीं माफ़ी नहीं, चलान काट रहे हैं आज भी मार्केट में। दूध की थैलियों के लिए कुछ आप पूछते हैं तो? नहीं नहीं, दूध की थैली अभी तो चल रही है, आ रही है, उसी में सारा चल, उसके इसका कोई विकल्प निकला नहीं अभी तक। तो दोस्तों ये दुकानदार भाई हैं जो इन्होंने बताया कि ग्राहकों से अभी तो नई जो ये चलाई गई है तो बहस भी हो जाती है, तो और भी दुकानदार भाई हैं अंदर मार्केट के अंदर, उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ कहना है। पॉलीथीन बैन को लेकर जिस तरह से लोगों से बात की जा रही है, उनकी राय ली जा रही है, किस तरह से दुकानदारों पर और ग्राहकों पर असर हो रहा है, तो आप दुकानदार हैं यहाँ पे, तो अब जो है पॉलीथीन बैन होने से किस तरह का आपकी दुकानदारी पे और ग्राहकों को असर हो रहा है? दुकानदारी पे तो असर तो हो ही रहा है, इसका कहना मैं पॉलीथीन जब हमारा चलान कटेगा तो आम ग्राहक का चलान कटे तो तब पता लगे कि पॉलीथीन पे बैन लगे। तो आपका चलान कटने में और ग्राहक का चलान कटने में क्या डिफरेंस है? मेरा डिफरेंस तो यही है कि ग्राहक का चलान कटेगा तो फिर अपने आप पॉलीथीन यानी ख़त्म हो जाएगी। तो ग्राहक कुछ इस तरह से बहस के विषय आए हैं कि बहस करते हैं ग्राहक आपसे? बहस भी कर देते हैं, इसका डबल करने डबल भी कर दो। अच्छा। और ये डबल ये पॉलीथीन जो पॉलीथीन है ये कोई काम की नहीं है, इसका कहना है फट जाती है, 5 किलो चीनी डालो तो फट जाती है। अच्छा, तो ये थैली जो अब नई स्टार्ट की है तो ये आपको इसका क्या रेट पड़ता है अभी? ये 3-4 रुपये की थैली एक पड़ती है। अच्छा। और वो थैली पड़ती थी सस्ती, मजबूत भी होती थी, ये पॉलीथीन मजबूत भी नहीं है और महंगी भी है, और 3-4 रुपये की एक थैली पड़ती है, ग्राहकों को भी दिया जाता है तो 3-4 रुपये की थैली लगा के फिर जैसे प्लस कर दे तो ग्राहक रोते हैं। तो ये प्रदूषण को दूर करने के लिए ये अभियान चलाया गया पॉलीथीन बैन का जो है, तो ये तो अच्छी शुरुआत है। ये तो अच्छी शुरुआत है, वो तो प्रदूषण तो मुक्त होना ही चाहिए, इसका कहना है पॉलीथीन भी तो ऐसी होनी चाहिए जो इसका कहना कामयाब हो। कहने का मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग थैली होनी चाहिए, हमारे को कुछ नहीं है, जो सरकार चाहेगी वही करेंगे हम। तो और भी जो ग्राहक भाई खड़े हुए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं, पॉलीथीन बैन होने से उनके ऊपर किस तरह से क्या असर पड़ा है? ये थैली बैन होने के बाद अब नई थैलियों की शुरुआत की गई है, तो ये स्टेप जो सरकार ने उठाया सही है गलत है? ये सही है जी। सही है, बिल्कुल सही है। अब जिस तरह दुकानदार जो है आपको अभी भी पॉलीथीन दे रहे हैं और आप भी ले रहे हैं, जैसे पॉलीथीन तो दे रहे हैं, ठीक है बात आपकी, जैसे पॉलीथीन में ये आओ आपके चिप्स के पैकेट आओ, ये कौन बंद करेगा? बिल्कुल सही सवाल है आपका।
और पहले इनको बंद कराओ, इन दुकानदारों की कोई गलती नहीं, पहले फैक्ट्री बंद कराओ, फैक्ट्री में आए नहीं का माल तो फिर इनके पास कहाँ से आए। बिल्कुल सही बात है। और पैकेट जो चीज़ें जैसे दूध हो गया, दही हो गया, उनकी पॉलिथीन आती है इसकी भी, तो ये भी बंद होनी चाहिए। 4 बजे लगते हैं, शाम तक पॉलिथीन ही पॉलिथीन के साथ रहते हैं। दुकानदारों का थैली के ऊपर तो चलान हो रहा है जिस तरह से, और इन चीज़ इस चीज़ का कोई चलान नहीं है, इस चीज़ का कोई दुकानदार के ऊपर जो चलान हो रहा है वो गलत है सरासरी, क्योंकि फैक्ट्री के ऊपर चलान करो, जब चीज़ बने नहीं की तो इनके पास कैसे आएगी। तो अब जिस तरह से ये थैलियाँ बैन हो गई है, स्टेप तो सही है आपके अकॉर्डिंग या गलत है? स्टेप तो सही है, फिर कुछ उसमें गलत है, सरकार का निर्णय भी गलत है। पहले फैक्ट्री को बंद करो, बाद में इनके ऊपर आओ, बाद में कहीं से ले अवैध रूप से लेते हैं तो फिर इनको ऊपर चलान करो। रेडी पे जो है केड़े बेचते हैं भाई, और चलान की जब बात आती है, चलान दुकानदारों का जो आज से ये शुरू हो चुका है, और जब इनका चलान कटता है रेडी पे पूरा दिन खड़े रहते हैं और काफ़ी मेहनत करके ये अपनी दिहाड़ी तैयार करके जाते हैं। अब थैली जो बंद कर दी गई है, थैली बंद होने के बाद अभी भी कहीं ना कहीं थैली आपके द्वारा दी जा रही है, अगर चलान होता है आपका तो आपको बड़ा दुख होगा, तो अभी भी थैली क्यों दे रहे हो आप? देखो ये 2000 रुपये का चलान है, ये थोड़ा नहीं है, शाम तक 400-500 रुपये की दिहाड़ी मिलती है। ये 400-2000 रुपये का चलान जो बनेगा गरीब भर नहीं पाएगा, ये एक तो चलान ज़्यादा है, दूसरी बात है अगर थैली के अंदर नहीं डालेंगे तो कस्टमर नाराज होएगा, तो उसका कोई समाधान पहले सरकार निकाल ले। के तो भाई जो थैली, जो नई थैली और जो थैले तो आ चुके हैं, देखो ये थैली है, एक थैली 5 रुपये की पड़ती है, एक थैली 5 रुपये पड़ती है, 5 रुपये दर्जन के साथ हमारे बचते हैं। अगर ये थैली यूज कर ली हमने तो हमारा तो मार्जिन गया, हम कहाँ से कमाई करेंगे फिर? थैली तो अब आज नहीं तो कल ये थैली तो प्रॉपर तरीके से बंद होनी, उसके बाद भी आपको ये यूज करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, आपकी बात जायज है, लेकिन हमारे को ऐसी सहूलियत दो जो कि हम आगे इसको निर्भर कर सके भाई, अब चला सकें, या तो इसका मार्जिन कम करो, 2 रुपये या 1.5 रुपये का ऐसा मार्जिन आ जाए तो हम यूज कर सकें। अब 5 रुपये का एक थैली यूज होगी, ये तो दुकानदार है, ग्राहक है, ताऊ है, हाँ ताऊ आप बताओ, जोड़े लेने पड़ेंगे, थैली बंद हो जाएंगी तो ठीक बात है। ये थैली को जो बैन किया सरकार ने, हाँ। प्रदूषण ज्यादा होता था इससे, हाँ। तो ये जो स्टेप सरकार ने उठाया ठीक है, आपने 1 मीटर की सिमाई, हाँ। कपड़ा लेके आपने बर्तन चाल लगा उसमें सामान ले जाओ, और ठीक ठाक है, गंदगी बहुत हो रही है हिंदुस्तान में, बिल्कुल पढ़ी लिखी बात कही है, गंदगी और प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपना झोला जो है घर पे सिमवाओ और यहाँ पे लेके आओ। अनपढ़ आदमी हूँ मैं, अनपढ़ होने के, अनपढ़ नहीं है आप, अच्छी और समझदारी की आपने बात रखी है, हाँ। तो ये दुकानदार भाई, अभी कुछ दुकानदार भाई है थैली, इनका भी ठीक चल जाएगा, सीधे नुकन ना जाए माता बहन थैली ले आ रहा हमने, अच्छा हम सब्जी ले आ रहे पहला, हमने परात लेनी पड़ती, अच्छा मशा चाट पे देंदे ने तसल में दाना दूने चने वार दे, वो परात में बुढ़ी दुगाई नुकन दी भाई साग दे दे ले इसमें गाल दे भाई, अच्छा या गंदगी ने मेटो कुकरे मेटो मोदी ने। ये थैली जो बैन कर दी सरकार ने, तो अभी भी कहीं ना कहीं चलान के लिए भी बोल दिया गया, और चलान के लिए नगर पालिका से लोग घूम भी रहे हैं, तो क्या कुछ इस बारे में आपकी राय? घूम रहे हैं भाई साहब, कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना मेरे हाथ में देखो कहीं कितनी दे दी मेरे को, पकड़ा दी उसने, मैंने पूछा तो बोला भाई साहब यही चल रही है अभी तो। अच्छा, दुकान के ऊपर थैली जो है, नई थैली जो और थैले जो है वो आ भी चुके हैं मार्केट के, दुकानदारों के पास है भी? दुकानदार फिर भी नहीं दे रहे, उसके पास वो दोनों बोला है नहीं मेरे पास तो। अच्छा, तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही नगर पालिका? कोई कार्रवाई नहीं, कोई 1% हो रही है तो भाई साहब उसका तो मतलब कोई आम आदमी है, सामान लिया दुकान से आप चल पड़े, आपके ऊपर चलान करते हैं तो आप इस चलान के लिए तैयार भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, क्या लगता है आपको? नहीं, मेरे ऊपर चलान करेंगे तो मैं तो शायद हो भी जाऊँ, अच्छा क्योंकि उसके पास ले जाऊँगा उसको, अगर भाई इसने दिया है मेरे को, और वो भी मना करने के बाद, क्योंकि मैंने तो उसको पहले बोला भाई कई दिन उसे बैन हो लिया और आज भी तू मेरे को दे रहा है, हैं तो गलत कर रहा है। तो सभी ग्राहकों का भाई साहब मेरे पास तो है ही नहीं, अच्छा मैं यार मैं थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ा लेके आऊँ, है नहीं तो लिया भाई, मिलती तो होगी कहीं ना कहीं से, तो इसका जब यह मिली है
तो मिल तो ये भी सके। तो इसका विकल्प थैला भी आप भी थैला ले सकते हैं इस मुहिम में। ये बिल्कुल ले सकता हूँ मैं थैला। तो आगे से कोशिश रहेगी कि आप भी थैले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ। हाँ जी भाई साहब, 15 दिन आप ये थैला लेके घर से चले हैं। घर से थैला लेके चला हूं। तो इस अभियान में मोदी जी का साथ है आप? बिल्कुल साथ है, पूरी तरह साथ है। तो काफी अच्छा स्टेप है सर, काफी अच्छा स्टेप है। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल पूरी तरह से बंद होना चाहिए। अभी भी कुछ दुकानदार जो है थैलियां दे रहे हैं, उनको बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल बंद करें, बंद तो कर ही रखी है लेकिन कर नहीं रहे हैं, ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अफसर जो है वो सो रहे हैं कहीं। अब ये छोटे दुकानदार रेडियो वाले, इनके ऊपर इनका कहना है कि ये 5 रुपए की थैली आती है और चलान 2000 का कर रखा है, वो चलान होगा तब जाके मानेंगे, लेकिन अभी तक मान नहीं रहे दुकानदार भी। ये तो ना चाम और गुलाम पिटाई बिना मानते ही नहीं है। अच्छा, जब तक हिंदुस्तान की आदत है कि जब तक आर्थिक दंड ना लगे तब तक उनको समझ में आती ही नहीं है। तो इनके जब चलान होगा तभी जाके मानेंगे, तभी जाके मानेंगे। तो दोस्तों ये भी जिम्मेवारी बनती है कि हम घर से अपना थैला लेके आए। मैं वैसे थैला लेके आया था, फिर भी मेरे को बांध के दे दिया, जबकि इसके अंदर एक और पॉलीथिन है, फिर भी बांध के दे दिया। चलो, ये कुछ लोग हैं, अलग अलग मिली जुली राय लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इस अभियान में साथ भी है। और दुकानदार भाई जो है रेहड़ी वाले, उनकी भी बात सुनी हमने, उनका भी कहना है कि ये थैला थैली जो है ये काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं, तो इसका भी समाधान जो है कहीं ना कहीं निकालना चाहिए जो महंगी पड़ती है। लेकिन अब चलान की बात आती है, जब चलान होगा तो शायद क्या पता उस तरीके से ये समझे नगर पालिका के बाद। अब देखते हैं क्या कुछ रहता थैली को लेके और इस थैले को लेके, अब आपकी क्या कुछ राय है। नगर पालिका चलान करने की तैयारी कर चुकी है। यह सलाह है जो करिए जीत बने हैं ने उड़े तो मतलब खत्म होनी चाहिए। इन दिखे को नहीं इधर नुबेरा कित बने हैं, ये उड़े तो खत्म होनी चाहिए। जड़े बने हैं उन्हें का तार लगा दो बन नहीं बनानी। तो ये नहीं बनने से समाधान होगा ना? बनते बन होगा। एक चीज इसमें मतलब दिखाई नहीं देगी तो ये ले आऊंगे क्यों? ओनु कहे ना चोर ना मारो, चोर की मान ना मारो, अगर मारो अगर चोर ना जमे। तो ये छोटे रेडियो वालों के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर जो मार पड़ रही है वो काफी गलत है। वह तो बे मतलब गलत है बाजार में चीज नहीं होगी, बाबू जी खरीदेंगे कहाँ से? बाजार में चीज नहीं होगी तो खरीदेंगे कहाँ से? फिर आप ये यूज होगी तो दुकानदारों ने ये थैलियां और थैले लेना शुरू भी कर दिया है दुकानदार वालों ने। ये जब तक ये बंद नहीं होंगे ना, जब तक को नहीं हुआ समाधान, ये बता दिया आपको। अच्छा, माड़ा तो इसे मगल है, ये तो डरते ले रहे हैं चलाने से बचने के लिए। हाँ, चलाने से बचने के लिए और क्या। अच्छा, ये तो वहाँ से बंद होंगे ना, जब भी बात बनेगी न्यू बात नहीं बनेगी। तो ये जो थैली बनाने वाले जो है उनको पकड़ा जाए तब बात बनेगी। इन्होंने ऑप्शन के लिए रखा है चला किसे बचने के लिए। साफ साफ इनका कहना है कि सामान अभी भी थैलियों में दिया जा रहा है। बाजार में माल नहीं आएगा तो कितने ले आऊंगे बताएंगे? तो साफ साफ बता दिया है कि थैली बनाने वाले जो बड़े बड़े लोग बैठे उनको पकड़ा जाए, इन दुकानदार छोटे दुकानदारों के ऊपर मार ना हो।